Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do new topic of grammar, which is very, very important topic of yours. Change the text. आप इसमें क्या करना है कि आपको सवाल दिए जाते हैं. आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा, 11th वालों को पता होगा, सॉरी 12th वालों को पता होगा, जब आपने 11th में एग्ज़ाम दी थी तो आपका एक क्वेश्चन था चेंज द टेक्स्ट करके, राइट. उसमें आपको जो फकरा था, जो टेक्स्ट था, सेंटेंस था, उसको चेंज करना था अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट में जो दिया गया है इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से आपको चेंज करना था, राइट. तो हम आज यही सीखेंगे कि कितने कितने अलग तरीके से हम जो टेक्स्ट है हमारा, जो सेंटेंस है, उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट. सो सबसे पहला है चेंज इन पर्सन. एक जो पर्सन होता है उसको पूरा चेंज कर देना. पर्सन किस में, सेंटेंस के अंदर की बात कर रही हूँ, राइट. आपको बेसिक ग्रामर तो पता ही होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं हम आई. हमारा जो फर्स्ट पर्सन है हम खुद है, राइट. आई, आई मतलब मैं. सेकंड पर्सन हमारा है यू. दूसरा पर्सन है हमारा तुम, ठीक है. पहले मैं, फिर तुम. सेकंड पर्सन हमारा यू. और थर्ड पर्सन है हमारा ही, शी या इट, लड़का, लड़की या कोई भी. ये थर्ड पर्सन है, ठीक है. पहला पर्सन है मैं, सेकंड पर्सन इज़ यू, आप, एंड थर्ड पर्सन इज़ लड़का, लड़की या वो, कोई भी, ठीक है. सो हमें चेंज क्या करना है अब इसमें. चेंज द टेक्स्ट में जब भी पर्सन की बात आती है और जब भी ब्रैकेट में दिया गया होता है कि पर्सन को चेंज करो, या ऐसा कोई हिंट दिया गया होता है, तो हमें जब फर्स्ट पर्सन होता है आई, आई की जगह पे हमें क्या चेंज करना होता है, वी, ठीक है. मैं की जगह हमें लगा देना होता है हम, राइट. और सेकंड पर्सन यू होता है, तो यू की जगह हमें, कभी भी आप याद रखना, सेकंड पर्सन चेंज नहीं होता, ओके. सेकंड पर्सन जैसा है वैसा ही रहता है, भले चेंज इन पर्सन हो, चेंज इन टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब सेकंड पर्सन की बात आती है, यू, यू का यू ही रहता है, ओके. एंड द थर्ड पर्सन ही, शी, इट. ही, शी, इट के जगह पे हम बदल के रख देंगे दे, राइट. आई की जगह, जो फर्स्ट पर्सन आई है, आई की जगह पर वी, यू की जगह पर यू, एंड ही, शी, इट की जगह पर दे. ये था हमारा फर्स्ट चेंज इन पर्सन, ओके. नेक्स्ट है हमारा चेंज इन नंबर्स, ठीक है. नंबर्स मतलब जैसे कि एक जन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक जन की कॉन्वर्जेशन हो रही है, या फिर एक जन के ऊपर कोई भी सेंटेंस है, तो हम एक को बढ़ाकर ज़्यादा कर देंगे. जैसे कि एग्जांपल में हम पढ़ रहे हैं, देखो, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है. तो उसकी जगह पर चेंज करके हमने लिख दिया दे आर माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे दोस्त हैं, ठीक है. यहाँ पर एक की बात हो रही थी, यहाँ पर ज़्यादा की बात हो रही है, तो ही की जगह हमने लगाया दे, राइट. ही इज़ माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड्स. और जब भी आपको ये रूल तो पता है, एक के लिए एक जन होता है, उसके लिए यूज़ होता है इज़, तो एक से ज़्यादा है उसके लिए यूज़ होता है आर, इसलिए हमारा वर्ब यहाँ पर चेंज हुआ, इसकी जगह पर आ गया आर. माई का कुछ चेंज नहीं होता है, इसलिए माई का रहेगा माई. लेकिन फ्रेंड, फ्रेंड यहाँ पर एक है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए हमने एस लगा, एस लगाया. यहाँ पर क्या किया हमने, फ्रेंड एक की जगह पर ज़्यादा होता है, तो उसे हम कौन सा फॉर्म कहते हैं, आपको याद ही होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. तो यहाँ पर चेंज इन नंबर्स हुआ, राइट. तो ही इज़ माय फ्रेंड, दे आर माय फ्रेंड्स, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, आई हैव कैप ऑन माय हेड. हेड मतलब सर, कैप मतलब टोपी, हैव मतलब है, मेरे सर पर टोपी है. आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन.
राइट। हमने यहाँ पर क्या देखा था, आई की जब जगह पर क्या आएगा, वी। तो यहाँ पर हम आई की जगह पर वी लिख देंगे, हैव का आएगा हैव, कैप का हो जाएगा कैप, क्या है हमारी चीज़ है, जो भी चीज़ होती है उसका एस लग जाता है, राइट। तो सिंगुलर का हो जाएगा प्लूरल, तो कैप का हो जाएगा कैप्स। ऑन का हो जाएगा ऑन, माई का हो जाएगा और आवर, और हेड का हो जाएगा हेड्स। अब कैसे होगा माई का, और देखो यहाँ पर सेंटेंस है मेरे सर पर कैप है, तो हम हमारे सर पर कैप है, तो वी का होता है आर्स, जैसे आई का होता है मे, वैसे वी का होता है आर्स। और ये जो है हम फर्स्ट पर्सन में ही चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कौन सा पर्सन था, थर्ड पर्सन, राइट। थर्ड पर्सन ही शी इट की जगह पे हमने धे लगाया, राइट। ही शी इट की जगह पे हमने धे लगाया, और यहाँ पर माई की जगह अवर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अवर सिर्फ आता है फर्स्ट पर्सन में। जहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, आई हो, और आई के साथ माई हो, तो हम आर लगाएंगे। ही के साथ माई हो तो हम नहीं लगाएंगे, राइट। और हेड का हो गया हेड्स, आई हैव कैप ऑन माई हेड, वी हैव कैप्स ऑन आर हेड। ये जो मैं ग्रामर आपको करवाती हूँ, आप अपनी बुक में लिखते जाना। इसके लिए मैं कोई सेपरेट PDF आपको नहीं भेजने वाली, तो जैसा है वैसा आप लिखते जाना, ओके। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फॉर्म है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चेंज इन जेंडर, जेंडर को चेंज करने का, मस्कुलाइन और फेमिनाइन या वाइस वर्सा। जैसे कि मेल है तो फीमेल कर देंगे, बॉय है तो गर्ल कर देंगे। जेंडर पता है ना, जाति जिसे कहते हैं, तो वो हमें चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट में लड़की की बात हो रही है, तो हमें लड़की की बात कर देनी है। अगर लड़की की बात हो रही है तो लड़के की बात कर देनी है, राइट। ही की बात हो रही है तो शी कर देंगे, शी की बात हो रही है तो ही कर देंगे। जैसे ऐसे कई एग्जांपल जो कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे शी की जगह ही और ही की जगह शी हम कर सकते हैं चेंज इन जेंडर में, राइट। हर की जगह हम हिम या हिज कर सकते हैं, और हिम या हिज की जगह हर भी कर सकते हैं, ओके। हर किसके लिए यूज़ होता है, लड़की के लिए। शी किसके लिए यूज़ होता है, लड़की के लिए। ही किसके लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए। एंड हिम और हिज किसके लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए। ये आप याद रख लेना। मैन की जगह वुमन, वुमन की जगह मैन, आप कुछ भी कर सकते हो। बॉय की जगह गर्ल, गर्ल की जगह बॉय। मेल फीमेल, फीमेल मेल। मेड मैन, मेड मतलब जो काम वाली बाय आती है उसको मेड कहते हैं, तो वो लड़की होती है, औरत होती है, और उसका वाइस वर्सा होता है मैन। तो मेड मैन, मैन मेड, ओके। सो ये क्या है, आपके जेंडर्स है जो कॉमन यूज़ होते हैं टेक्स्ट में, वो मैंने बताया है। उसके सिवाय हम दूसरे जेंडर्स हम एग्ज़ाम्पल जब करेंगे उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। अभी मैं चेंज द टेक्स्ट का बेसिक बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट पीरियड में हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ओके। आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो हम एग्ज़ाम्पल पर जाएंगे। सो इसका एग्ज़ाम्पल है, द मेड सर्वेंट नेवर कीप्स हर टाइम। जो मेड सर्वेंट है, सर्वेंट मतलब नौकर, जो औरत नौकर है वो, मतलब जो हमारे घर पे काम वाली आती है ना, उसकी बात हो रही है। जो काम वाली है वो अपना कीप्स मतलब रखती हर टाइम, उसका टाइम कभी नहीं रखती है, वो टाइम पर कभी नहीं आती है, राइट। तो यहाँ पर आपको जेंडर वाली बात क्या लगी, एक तो मेड सर्वेंट आ गया, राइट। वो किसकी बात हो रही है, वो औरत है, एक लेडीज़ है, तो उसकी बात हो रही है। एंड यहाँ पर देखो हर, तो हर भी आ गया जेंडर में, राइट। तो ये दोनों हम इसका चेंज करेंगे, तो ध का तो रहेगा ध ही, मेड का मैंने यहाँ पर क्या किया, मैन किया, तो मेड सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट, नेवर का नेवर, कीप्स का कीप्स, हर का हो जाएगा हिज, हर का हो जाएगा हिज। अब हिम क्यों नहीं लगाया, हमने हिज लगाया, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जब भी सेंटेंस के आखिर में हो तो हम हिम लगाएंगे, और बीच में हो तो हिज लगाएंगे, ठीक है।
जब भी जेंडर का चेंज करना हो, लड़की से लड़का कर देना हो, तो अगर लास्ट में हो तो हिम लगाएंगे और बीच में हो तो हिज लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर बीच में है तो हमने क्या लगाया, हर की जगह पर हिज। तो द मेड सर्वेंट नेवर कीप्स हर टाइम, उसका हो जाएगा द मैन सर्वेंट नेवर कीप्स हिज टाइम। ओके, बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे फॉर श्योर, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड, चेंज इन टेंस। टेंस चेंज करना है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन हमारे कॉमन टेंस है, ये आपको पता ही है, ये बेसिक है, राइट? सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, कोई भी टेक्स्ट के अंदर आपको जो टेंस है वो चेंज करना है। जैसे कि सेंटेंस दे दिया, ब्रैकेट में लिख देंगे कि चेंज द टेंस, आपको टेंस चेंज करना है, तो उसका टेंस कैसे चेंज करूँगे? पहले तो वो सवाल को आपको देखना है कि वो सवाल क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट में है कि फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब हाल, पास्ट मतलब माजी और फ्यूचर मतलब आने वाला कल, ओके, मुस्तकबिल। सो ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन को, सवाल को पढ़कर, और फिर उसका जवाब आपको देना है, ठीक है? अब जो प्रेजेंट टेंस में, उसमें मोस्ट कॉमन यूज होने जा होते हैं वो वर्ब है हैज़ और हैव, आपको ये लर्न करना है, ठीक है, याद कर लेना है आपको। प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है हैज़ एंड हैव, पास्ट टेंस में यूज़ होता है वॉज, वेयर एंड हैड, और फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है विल और शल। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है हैज़ हैव, हैज़ या फिर हैव, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है, हैज़ या हैव। पास्ट टेंस में यूज़ होता है, पास्ट मतलब माजी, पास्ट टेंस में यूज़ होता है वॉज या वर, ओके, वॉज या वर, और यूज़ होता है हैड। फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है विल या शल, मुस्तकबिल में, जैसे कि आप उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल, वो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, विल और शल। तो ये तीन टेंस है, वो ये बहुत ही ईजी है, आप याद कर लोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है, रश्मि वोक अप वेरी लेट यस्टरडे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये पढ़कर ही आप समझ गए कि यस्टरडे मतलब कल, कल की बात हो रही है, लेकिन आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल उसकी बात हो रही है, तो ये माजी की बात हो रही है, राइट? तो रश्मि वोक अप वेरी लेट यस्टरडे, तो रश्मि उठी, वोक अप मतलब वो उठी बहुत ही देर से, कब, कल, ठीक है, कल वो बहुत देर से उठी थी, यहाँ पर थी आ गया। सो ये था हमारा पास्ट टेंस, माजी की बात हो गई, तो हमें इसे हम इसे कहेंगे इंग्लिश में पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को हमें करना है किस में, टुमारो, फ्यूचर टेंस में करना है, राइट? ऐसा नहीं है, आप पास्ट टेंस को प्रेजेंट में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी, ये आपको अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है वहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिया गया होगा और उसमें बताया गया होगा कि आपको कौन सा टेंस करना है, राइट? वो हम आगे एग्जांपल करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं, ठीक है? तो रश्मि, ये वो किसका पास्ट टेंस है, वेक का, ठीक है, डब्ल्यू ए के ई वेक होता है ना, तो उसका पास्ट टेंस हो जाता है वोक। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है, 11th में, 12th वालों ने 11th में भी किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वेक, वोक और वोकन, ये तीन फॉर्म हम पढ़ते थे ना, तो ये वेक कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, और सॉरी, ये नॉर्मल टेंस, और वोक क्या है, वो पास्ट टेंस। तो रश्मि वोक अप वेरी लेट यस्टरडे, तो रश्मि का तो रश्मि रहेगा, लेकिन फ्यूचर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल, यस, रश्मि विल वोक का हो जाएगा वेक, अप का हो जाएगा अप, वेरी लेट का रहेगा वेरी लेट, लेकिन यस्टरडे का हो जाएगा टुमारो, क्योंकि टुमारो मतलब आने वाला कल, हमें फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर में हम यस्टरडे नहीं लिखेंगे, यस्टरडे है पास्ट का, टुमारो है फ्यूचर का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस्टरडे की जगह टुमारो। सो रश्मि विल वेक अप वेरी लेट टुमारो, तो ये हो गया हमारा चेंज द टेंस का एक एग्जाम्पल। मैंने सबके एक एक एग्जाम्पल इसलिए बताए हैं आपको कि आपको थोड़ा
अच्छे से समझ आ जाए। अब मैंने जो आपको लर्न करने का कहा था वो आप लर्न कर लेना नेक्स्ट पीरियड तक। अब नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे उसका एग्जाम्पल्स, ओके, चेंज द टेक्स्ट के एग्जाम्पल।